पंजाब पर एक गैंग की हुकूमत थी जिसमें पिंकी पीनी फराह गोगी इमरान शामिल थे। नवाज शरीफ ने सी पैक बनाया, इमरान खान ने जी पैक, जिसका मतलब गोगी पिंकी इकोनॉमिक कॉरिडोर है। मरियम नवाज की लाहौर इंतखाबी जलसे में तहरीक इंसाफ पर लफ्जी गोलाबारी, कहा फितना खान ने मुखालफीन को मजहब के नाम पर गोलियां पड़वाई। लोगों को चोर कहने वाला सबसे बड़ा वारदातिया निकला। पाकिस्तान की सियासत का पाला तारीख के बड़े फितने से पड़ गया है। लीगी नायब सदर ने कहा इमरान खान जलसों में डोनाल्ड लू को बदनाम करता रहा, माफी के लिए ओहदेदार को डोनाल्ड लू के पास भेजा। एमके पाकिस्तान के रहनुमा साबिक वफाकी वजीर बाबर गौरी बैरून मुल्क से कराची पहुंचते ही धर लिए गए। जराए के मुताबिक उन्हें कराची एयरपोर्ट से अहलकारों ने हिरासत में लिया। बाबर गौरी पर फांसी की सजा पाने वाले सोलत मिर्जा की मुआवनत का इल्जाम है। वजीर आला पंजाब का 100 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 6 माह तक बिजली मुफ्त फराहम करने का ऐलान। जरूरतमंद अफराद को मुफ्त सोलर पैनल दिए जाएंगे। हमजा शहबाज ने कहा महंगाई के जिनको जल बोतल में बंद करेंगे। आज सियासत नहीं रियासत बचाने का वक्त है, हमें सख्ती मईशत को दोबारा बहाल करना है। नेपरा ने इससे काबिल कराची के शहरियों पर फिर बिजली गिरा दी। फी यूनिट 9.42 रुपए का बड़ा इजाफा मई के महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। कराची के शहरियों पर 22.64 करोड़ 90 लाख का बोझ पड़ेगा। चंद रोज कबल भी फी यूनिट कीमत में 5.27 रुपए इजाफा किया गया था। लोड शेयरिंग की सबसे बड़ी वजह अजाब इमरानी थी। आज से लोड शेयरिंग में बेहतरी आएगी, तरबेला अपनी मुकम्मल कैपेसिटी से काम करेगा, हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर तवानाई खुर्रम रसगी ने आवाम को नवीद सुना दी, कहा शंघाई इलेक्ट्रिक थर्कोल प्लांट दिसंबर में बनने जा रहा है। जुलाई के आखिर से सोलर पैनल की पॉलिसी लाने का भी ऐलान। सोलर पैनल से मुतालिक सलमान शहबाज पर इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया। लोड शेयरिंग से मुतालिक वज़रा की न्यूज कॉन्फ्रेंस में भी बिजली धोखा दे गई। जनरेटर ऑन करने पर न्यूज कॉन्फ्रेंस शुरू। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब ने कहा मुल्क में बिजली के पैदावार 23,900 मेगावाट है, तवानाई मंसूबों की तकमील पर गैर जरूरी ताखीर की गई। कमर जमान कायरा बोले गुज़िश्ता हुकूमत के गलत फैसलों के बायस आज मुश्किलात हैं। खुर्रम दस्तगीर ने कहा बिजली की कीमतों में इजाफा आज काबीना इजलास के एजेंडे में नहीं आया, बिजली चोरी के खात्मे के लिए जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेंगे। मुल्क में तवानाई का बहरान जारी। कराची से खैबर तक मुख्तलिफ शहरों और देहात में बिजली की बंदिश के दौरानी में मजीद इजाफा। शदीद गर्मी में तवील लोड शेयरिंग के बाद शहरी शदीद अजियत का शिकार। मुल्क में बिजली का मजमू शॉर्टफॉल 7,800 मेगावाट तक पहुंच गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का वज़ीर आज़म को लापता अफराद को पेश करने का हुक्म। 9 सितंबर को लापता अफराद की अदालत में पेशी यकीनी बनाए। लापता अफराद को पेश करने में नाकामी पर वज़ीर आज़म खुद पेश हो। वज़ीर आज़म को पेश होकर रियासत की आईनी जिम्मेदारियों में नाकामी की वजाहत देना होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लापता अफराद केस का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। सरकारी अराजी पर कब्जे का इल्जाम। एंटी करप्शन साहिवाल ने बुशरा बीबी के भाई अहमद मुश्तबा को तहकीकात के लिए तलब कर लिया। 6 जुलाई को पेश होने की हिदायत। जराए के मुताबिक अहमद पर फ्रंट मैन के जरिए सरकारी मार्केट की जमीन लीज पर देने और कब्जा कराने का इल्जाम है। रहनुमा पीजीआई शीरी मजाहरी ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के प्रिंसिपल सिकेश और उनके अहलिया के फोन चैपिंग पर सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने की अपील कर दी। फवाद चौधरी बोले पाकिस्तान में मुसलसल फोन कॉल्स टैप की जा रही हैं जिसका फायदा किसी को नहीं होगा। फराह बीबी ने अगर कुछ किया है तो उसका मुकदमा दर्ज क्यों नहीं किया जा रहा। वज़ीर इत्तला'आत मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि दारू के खिलाफ मुहिम की मास्टरमाइंड बुशरा बीबी है। बुशरा बीबी मनीगाला में छुपकर गद्दारी
बैरूनी साजिश के बयानियों कौम के इदारों के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम चलवा रहे हैं। सियासी मुखालफीन को गद्दारी के साथ लिंक करने और गालम गलोच के